यूपी में हुए पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जिसे देखकर आप कहेंगे भैया ये यूपी है यूपी। दरअसल यूपी के बुलंदशहर में एक पूर्व प्रधान ने एक ऐसा हथकंडा अपनाया कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस खबर को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। हुआ यूं कि बुलंदशहर जिले के ग्राम इछावरी में सीट आरक्षित होने के बाद अपनी बहू को ही चुनावी मैदान में उतार दिया। उतारता ही क्यों नहीं, क्योंकि पूर्व प्रधान को लगा कि इसके दोनों हाथों में लड्डू हैं। चुनाव बड़े ही जोर शोर से लड़ा गया और चुनाव में जीत हुई। अब हम आपको इस खबर को पूरी बारीकी से बताएंगे। ग्राम इछावरी में ग्राम प्रधान बनी महिमा पत्नी मुकेश कुमार एससी कोटे से है, जबकि महिमा जो कि जाटव है और उनके पति लोधी बिरादरी से है। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया था कि आरक्षित सीट पर विवाह के आधार पर हक नहीं है। निर्वाचन आयोग के आदेश को ताक पर रखकर महिमा ने अपने शपथ पत्र में बातें छुपाकर ये चुनाव लड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि महिमा ने अपने शपथ पत्र में बातें छुपाई हैं, चुनाव लड़ने तक जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। अब गांव के लोग इसको लेकर आपत्ति जता रहे हैं। लोगों का कहना है कि पूर्व प्रधान ने अपनी दबंगी से एससी कोटे में आने वाले लोगों का पूरी तरह से हक छीना है। वही लोगों का कहना है कि इसकी जल्द से जल्द जांच कर कार्रवाई की जानी चाहिए और चुनाव रद्द किया जाए। अब इसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। क्यों निर्वाचन आयोग के आदेशों का पालन नहीं हुआ? क्यों आयोग के आदेशों को ताक पर रखकर ये चुनाव लड़ाया गया?